बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किचन विद आयजा जाना। तो आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी माँ और बहनों के लिए प्यारी पारसी ट्रिक्स लेके। ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ यकीन जाने कि जितने भी मेरी बहन है माशाल्लाह से, अगर वो इन टिप्स को जो है अपनाते हैं तो उनके लिए ना बहुत आसानी होने वाली है, जिनके घर में जो है छोटे बच्चे हैं, जैसे कि पैम्पर बहुत महंगे हो गए हैं, और उनकी भी ना मैं आज ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ। मेरी जो बहनें करेंगी ना तो उनकी भी ना परेशानी दूर हो जाएंगी। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ यकीन जाने वहाँ दूध और पैम्पर का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, वो खर्चा भी आपका कम होने वाला है। और जो जो आपकी ये खर्चा जो है इनसे बचत करेंगी ना, उनसे आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा सा कोई भी मनपसंद का कुछ लेके दे सकती हैं, और आपकी इससे बचत होगी और बच्चे भी खुश और आप भी खुश। इस महंगाई के दौर में ना जो पैम्पर से काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और अच्छा कोई ब्रांड का अगर हम लेते हैं ना तो वो और महंगा पड़ता है। तो आज हमें ना घर में जो है शॉपर होते हैं ना उससे पैम्पर बना के जो है यूज़ करेंगे। हम तो इसी तरह से करते हैं और बना के स्टोर भी कर लेते हैं, तो आज मैं वही बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर किया जाए। मैं न्यू बॉर्न का बना रही हूँ, जो कि मैं बना के रख दूँगी, और ये काफ़ी हैंडी होता है, आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, और जो ये वॉशेबल भी होता है, और इससे बच्चे का कोई रैसेस नहीं पड़ते और वापस रीयूज़ भी हो जाता है। तो है ना कमाल की ट्रिक्स। तो देख लेते हैं कैसे बने। तो हमने जो शॉपर लिया है ना, इसे ना ये वाइट वाले ही शॉपर यूज़ करना है, ये बहुत अच्छे से ना काम आ जाते हैं पैम्पर्स में। तो इसे आगे पीछे से कट करके इस तरह से कर लिया है मैंने, और अब देखिए इस तरह से ना मैं इसको जो है फोल्ड कर रही हूँ, और अब मैंने इस पे जो है निशान लगाऊंगी, ताकि निशान लगाने से ना कहीं से ये वेस्टेज ना हो और बहुत अच्छे से ना ये कटिंग हो जाए। तो मैंने इसकी जो है चार तय करी है, और इससे ना मेरे दो डायपर जो है बनके तैयार हो जाएंगे बच्चे के लिए। तो मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो मैं नीचे से पहले इसको ना इसके एजेस जो है अनइवन है ना उसको इवन कर लेंगे, एक जैसा कर लेंगे सीधा। और अब मैंने ना यहाँ पर स्केच यूज़ करा है, क्योंकि जो शॉपर है उसके ऊपर स्केच बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से ना मैं इस शॉपर पे जो है निशान लगा लूँगी, तो आपने भी इसी तरह से कर लेना। माशाल्लाह से ना ये ट्रिक्स ना बहुत कमाल की है, और जो है और इस तरह से करने से ना आपके काफ़ी पैसे बचेंगे, और आपके बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और हाइजीन के उससे भी ठीक है, और कोई रेसेस कुछ नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, और अब यहाँ पर ये जो है दो हमारे जो है पैम्पर बन के इसका बेस तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर क्या इंसर्ट करेंगे जिससे ना जो सूसु और पोटी जो है इसमें अब्सॉर्ब होगा और बाहर नहीं होगा, बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में आगे। एक मैं आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। तो एक मैंने ले लिया इस तरह से, और एक और मैंने सोपर ले लिया है जो हमारे किचन में ही आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप इसे चाहें तो इसे ना धो के, अगर गंदा लग रहा है ना आपको क्योंकि बच्चे के लिए यूज़ करना है, तो धो के इसे सुखा लें, तो फिर बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। इसको भी ना मैंने जो है साइड से कट कर लिया था, और इस तरह से इसकी कटिंग मैंने तैयार करी। बीच में से ये उठ रहा है तो इसको कटिंग करेंगे, और कटिंग करके इसको हम तैयार कर लेंगे डायपर में, जो हम बना रहे हैं ना डायपर उसमें यूज़ करने के लिए। यकीन जाने बहुत अच्छा ना, बिल्कुल अफोर्डेबल, और जो है बहुत अच्छा सा डायपर बनके तैयार होता है, जिससे बच्चे के कोई रैसेस नहीं आते, और आपका खर्चा भी ना बहुत ज़्यादा बचने वाला है, और बार बार इसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बार बार डायपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सोपर जो है कटिंग करके हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो कॉटन का कपड़ा यूज़ करेंगे, इस तरह से मैंने फोर फोल्ड कर लिया है, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, कॉटन का है, तो अच्छे से सूसू को जो है अब्सॉर्ब करेगा और लीकेज नहीं होने देगा। तो कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा लीजिएगा, और आप चाहें तो कपड़े को पहले धो के सुखा लें डिटॉल में, फिर यूज़ करें। अगर आपके बच्चे की सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर छिड़क दें, और इस तरह से इसे टाई कर लें। बहुत अफोर्डेबल सा ना डायपर आपका बन के तैयार हो जाता है, और इस तरह से ना इसे बांध लें, तो देख पा रहे होंगे कितना ईजिली ना ये बंध पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, और देखिए कितना जो है बेहतरीन हमारा जो है घर में डायपर बनके तैयार हो चुका है। तो ऐसे ही मैं और पीस बना लूँगी, और जो है इसे हम कभी ट्रैवल वगैरह करते हैं ना उसमें भी आराम से इसे जो है बिल्कुल रख सकते हैं, और कहीं भी ले जा सकते हैं, और वापस से इसको जो है रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें आप जब भी ट्रैवल करें ना तो इस तरह से इसे बना के ज़रूर लेके जाएँ, बहुत आसानी हो जाती है। देखिए देखने में भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि बेकार है, अच्छा नहीं लग रहा तो हम नहीं, तो देखिए देखने में भी बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग है, और सिलाई वगैरह की कोई, और इस तरह से करने से आपके काफ़ी सारे पैसे बच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दीजिए मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।